किसान हित में विकास खंड स्तरीय रबी कृषि निवेश मेला का आयोजन। किसानों को जैविक खेती के बारे में दी गई जानकारी, जिससे पैदावार संतुलित हो सके। जिले के बाजदिया थाना अंतर्गत सारयाक में किसानों को जैविक खेती के बारे में दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। ग्राम प्रधान विनोद सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर जयसवाल ने ग्रामवासियों को दिया जानकारी। सभी मौसमी खेती की जानकारी के साथ साथ बागवानी के बारे में भी दी गई जानकारी। खेती के साथ साथ बागवानी में होने वाली सभी प्रकार की गंभीर बीमारियों का भी होगा खात्मा, ऐसी भी दी गई जानकारी। अच्छा, आप एक किसान भी है और साथ ही साथ इस किसान मेले के मुख्य अतिथि भी है। आप सबसे पहले, आपको इस मुख्य अतिथि के रूप में आकर यहाँ कैसा लगा ये बताइए। जो जो जानकारियाँ दी गई, वह जानकारी आपके जानने में कहाँ तक सही है और कहाँ तक कारगर साबित होगी आपके खेती में, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे बताइए कुछ। कम खर्च में ज्यादा पैदावार लेना तो बहुत ही अच्छा बात है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो जो बातें बताई गई, इन बातों को अमल करने से आपकी कृषि में पैदावार ज्यादा होगी और कृषि कारगर साबित होगी? हाँ। कौन कौन सी खेती करते हैं आप? गेहूँ की करते हैं, आलू की करते हैं, चना मटर की करते हैं। अच्छा, तो क्या जो भी पद्धतियाँ बताई गई कि 21 दिन में पहली पानी दे देना चाहिए गेहूँ को? हमारे यहाँ किसानों में यही तो गड़बड़ी, 21 दिन के बदले 31 दिन चले जाएंगे, उससे पहले 10-15 दिन में भी कर देंगे। तो यहाँ नियम कोई नहीं है, इसलिए यहाँ घाटा में हमारे किसान जा रहे हैं। इसका मतलब आपका कहना यह चाहते हैं कि किसान जो है जानकारी के अभाव में खेती सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।